नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मैं आपका दोस्त नंद किशोर। आज मैं बात करने वाला हूँ समग्र के बारे में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि समग्र आईडी क्या होती है, परिवार आईडी क्या होती है, इसका क्या महत्व है और समग्र आईडी कौन बनाता है और कौन सुधारता है, तथा आप कहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो समग्र आईडी 9 अंक की होती है और परिवार आईडी 8 अंक की होती है। आधार की तरह ही समग्र आईडी भी एक यूनिक आईडी है जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी की जाती है। ये केवल मध्य प्रदेश में ही जारी है। इसका क्या महत्व है? तो राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुँच को सरल, सहज तथा लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाना तथा योजनाओं को सरल तरीके से चलाना इसका उद्देश्य था गवर्नमेंट का। समग्र आईडी कौन बनाता है और कौन सुधारता है? समग्र आईडी गांव लेवल पर तो पंचायत बनाती है और पंचायत में सहायक सचिव होता है, वो इसको बनाता है, वो इसको सुधारता है और वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और नगर स्तर पर नगर पालिका, इसमें जाकर के आप अपना समग्र आईडी बनवा सकते हैं और सुधवा सकते हैं। आप अगर अपनी समग्र आईडी जानना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे सर्च कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको। तो इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, कोई सा भी ब्राउज़र। मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर रहा हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद आप गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल में सिंपली टाइप कर दीजिए समग्र टाइप करके आप इंटर कर दीजिए। यहाँ पर samagra.gov.in आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इस लिंक पर तो ये आपको समग्र की मेन वेबसाइट पर ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आपको आपके परिवार के किसी भी सदस्य की आईडी है तो भी आप अपने परिवार के दूसरे सदस्य की आईडी देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इसे दे सकते हैं। और अगर आपके पास परिवार आईडी है तो आप सीधे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आईडी नहीं है और आपके पास परिवार आईडी भी नहीं है तो आप अपनी आईडी कैसे देखें? इसके लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दी हुई है, समग्र परिवार एवं सदस्य आईडी जाने। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक 7 नंबर पर लिखा हुआ मिलेगा, परिवार के किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पर अनिवार्य जानकारी आपको भरनी होगी, जैसे कि जिला। तो आप यहाँ से अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर दीजिए। अब निकाय में आप नगर परिषद, नगर पंचायत, जनपद पंचायत आपको इसे सिलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपके लगती हो। यहाँ पर लिंक सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर अपने नाम के 3 अक्षर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि मान लो मैं टाइप कर रहा हूँ मदन, तो MAD, राइट। और यहाँ पर सरनेम ये ऑप्शनल है, तो आप ग्राम पंचायत में अपनी ग्राम पंचायत या जोन सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ तो मैं टाइप कर रहा हूँ दौलतपुरा जाट। और जैसे आप पंचायत सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उस पंचायत से रिलेटेड जितने भी गांव होंगे, जो भी एरिया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अपने गांव सिलेक्ट कर दीजिए, एरिया। और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ कैप्चा को टाइप कर दीजिए। यहाँ पर आप स्मॉल लेटर में भी कैप्चा टाइप करेंगे तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ मैं कैप्चा लिख देता हूँ। आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये रिजल्ट दे देगा। रिजल्ट में आप देखेंगे कि यहाँ मदन लाल, यहाँ पर 4 और हैं, जो भी आपको यहाँ पर आप मुखिया के नाम से भी आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सदस्य आईडी और एक परिवार आईडी। अगर आपका नाम एक्यूरेट आपको मिल रहा है, अगर आपको सीधा सीधा पहचान में आ रहा है, तो आप यहाँ से समग्र आईडी लिख सकते हैं। और अगर आप पूरे परिवार की आईडी
से आपने पूरी पूरे परिवार के सदस्यों की आईडी जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने परिवार की आईडी कॉपी कीजिए और वापस पीछे वहीं मेन पोर्टल पर चली जाइए। ठीक है, जैसे आप मेन पोर्टल पर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा प्रोफाइल देखे। यहाँ से प्रोफाइल किससे देखे? परिवार आईडी से। तो यहाँ परिवार आईडी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपने परिवार की आईडी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर कैप्चा लिख दीजिए। यहाँ जैसे आप कैप्चा लिखेंगे और देखेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके परिवार का सारा डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी यहाँ आईडी शो हो जाएगी। आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कर दीजिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये समग्र परिवार कार्ड है, ये न्यू QR कोड के साथ इंटीग्रेट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही पास में बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स।